हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुचैम्प लाइव क्लासेस। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर अपन डिस्कस करने वाले हैं जून के लास्ट वीक यानी 30 जून तक के करंट अफेयर। आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वीक के, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली करंट अफेयर की क्लास सुबह 10 बजे हमारे चैनल पर मिल जाती है। और कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपको रीड करना है तो आप स्टडी करना है तो आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं, हम उसको क्लास में जरूर रीड करेंगे। वैसे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी होते हैं आपके वो लेकर आते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर सेपरेटली आपको कोई पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तो फर्स्ट अपना टॉपिक है, क्वेश्चन है ऐसे प्रशांत की, 55 देशों ने एक मत से वर्ष 2021-22 की समयावधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जिस देश की अस्थायी सदस्य है तो समर्थन किया है, वो कौन सा देश है? भारत। भारत के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र परिषद में जो है भारत की स्थायी सदस्य है तो समर्थन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे तेज 20,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, वो है विराट कोहली, जिन्होंने 20,000 रन बनाकर रिकॉर्ड बना दिया है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए विषय क्या था इस बार? तो वो था न्याय के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए ना, जस्टिस फॉर हेल्थ एंड हेल्थ फॉर जस्टिस। हाल ही में जिस अंतर्राष्ट्रीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री सिंजो आबे तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, वो तो G20 में 28 और 29 जून को G20 सम्मेलन हुआ था जापान ओसाका में। तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री सिंजो आबे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। और G20 का शिखर सम्मेलन इस बार जापान में ओसाका में हुआ था, और ये फर्स्ट टाइम है जब जापान इसकी मेजबानी कर रहा है, और अभी 2020 में भारत इसकी मेजबानी करने वाला है। वर्ष 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इटली में किया जाएगा। 2026 में ओलंपिक खेल जो विंटर्स ओलंपिक खेल स्पोर्ट्स हैं उसके जो होगा वो इटली में होगा। ICC ने जिस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में वन डे फॉर चिल्ड्रन नामक हैशटैग अभियान का आयोजन करने का निर्णय लिया, तो यूनिसेफ के साथ में ICC ने इस अभियान शुरू किया है वन डे फॉर चिल्ड्रन। भारत के पंकज आडवाणी ने 35वीं पुरुष एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप में जिस देश के थनावत तिरपोंग पेबून को पराजित कर खिताब जीत लिया, वो है थाईलैंड के। भारत ने हाल ही में वेस्टइंडीज को कितने रनों से हराकर विश्व कप इतिहास में उसके खिलाफ अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की, तो 125 रन बनाकर वेस्टइंडीज को हराया था भारत ने। हाल ही में जिस राज्य में एक बौद्ध अवशेष पाया गया है, वो है आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में जिस परियोजना के निर्माण कार्य की अवधि 2 साल आगे बढ़ा दिया है, वो पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना इसका नाम है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक देश में जिस बीमारी के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना तैयार की है, वो है टीबी। टीबी से हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है, और इसके चलते हुए भारत सरकार ने जो है कदम उठाया है, राष्ट्रीय रणनीति बनाई है टीबी के लिए। G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ओसाका जापान में हुआ है, और ये पहली बार जापान ने इसकी मेजबानी करी है, और 2020 में भारत करेगा। पहले खाड़ी देश का नाम जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ GOML एप्लीकेशन को अपनाया है, तो संयुक्त अरब अमीरात है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ GOML एप्लीकेशन को अपनाया गया है सऊदी अरब अमीरात यानी UAE। हाल में जिस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ महिलाओं को बर्ड स्ट्राइक नामक अभियान आरंभ किया है, वो ब्रिटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अवैध रूप से देश में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए जिस नाम से अभियान प्रारंभ किया है, तो जीरो चांस ऑस्ट्रेलिया सरकार ने, जीरो चांस से ये मतलब है कि वहां पर अब अवैध रूप से देश में कोई प्रवेश नहीं कर सकेगा। हाल ही में संसद में पेश किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार भारत के जिस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, वो है नागालैंड, जहां पर भारत में नागालैंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है पाई जाती है। वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकारियों, जिला अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों को हर हाल में सुबह 9 बजे तक दफ्तर पहुंचने का निर्देश दिया है, तो वह है यूपी। यूपी ने ये निर्देश दिया है। हाल ही में जिस देश की सरकार ने नीरव मोदी और उसकी बहन पूर्वी मोदी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, वो है स्विट्जरलैंड की सरकार ने। दक्षिणी भारतीय फिल्मों की जानी मानी जिस अभिनेत्री और निर्देशक का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, वो है विजया निर्मला, जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य में इम्प्रेस्ड कछुआ की खोज की गई है, वो है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें इम्प्रेस्ड कछुआ की खोज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS से पहला चालक दल जिस स्थान पर लैंडिंग करके वापस धरती पर सुरक्षित लौटने में कामयाब हुआ है, वो है कजाकिस्तान, जिसके जो है
यहाँ पर जो आए जो इनका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पहला चालक दल जो है अब कजाकिस्तान पर लैंडिंग करके वापस धरती पर सुरक्षित लौटने में कामयाब हुआ है। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य रैंकिंग में भारत के जिस राज्य को पहला स्थान मिला है वो केरल। स्वास्थ्य रैंकिंग में केरल को फर्स्ट स्थान मिला है। मेडिकल में वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ की साक्षरता दर भी ज़्यादा है, वहाँ पे गर्ल्स की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और प्लस वहाँ पे एजुकेशन सबसे ज़्यादा है और स्वास्थ्य रैंकिंग भी इसलिए वहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर मेडिकल के लिए लोग बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं। वह देश जिसने यूरोपीय संघ ने खाद्य आयात पर लगाए गए प्रतिबंध को 2020 के अंत तक बढ़ा दिया है वो है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिस देश के लोसेन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में किया गया है। वह देश जिसने मणिपुर में द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति पर शांति संग्रहालय उपहार स्वरूप प्रदान किया है वो है जापान। असम के जिस मंदिर में वार्षिक रूप से अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है वो कामाख्या मंदिर में है। असम गुवाहाटी में है जहाँ पर वार्षिक रूप से अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य रैंकिंग में भी सबसे अंतिम स्थान मिला है बिहार को और फर्स्ट है केरल। अमेरिकी विदेश मंत्री का नाम जिन्होंने हाल ही में भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो माइक पोम्पियो बहुत ही चर्चा में रहते हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। माइक पोम्पियो है अमेरिका के विदेश मंत्री। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली जिस कलाकार की आत्मकथा है वो है अनुपम खेर, जिसका जो है शो में भी इसका अभी आया था। अनुपम खेर किसी शो में आए थे, एक पॉपुलर शो में, और वहाँ पर इसका जो उन्होंने मतलब कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था लेसन लाइफ टॉट मी अनविलिंगली, तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी उसमें जो है पूरी है उसमें अनुपम खेर की। हाल ही में जिस संस्थान की शोधकर्ताओं ने मलेरिया परजीवी के शरीर में एक अनुवांशिक अनुक्रम की पहचान की है वो ICMR जबलपुर में की गई है। ICMR जबलपुर द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 5 साल में राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलफुल डिफॉल्टर की संख्या जितनी हो जाएगी, तो 60% हो जाएगी विलफुल डिफॉल्टर की संख्या 5 साल में। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल ने कंपनी में अपने 531 करोड़ रुपए के 5.4 लाख शेयर किस कंपनी को भेज दिए, तो वॉलमार्ट को भेज दिए। हाल ही में जिस राज्य में बीजेपी अध्यक्ष मदन लाल सैनी का निधन हो गया वो कहाँ से थे, राजस्थान में। तो ये था अपना करंट अफेयर का सेशन और अपन ऐसी क्लास लेके आते रहेंगे और कोई प्रीवियस आपको करंट अफेयर देखने तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।